बड़ी खुशी के साथ ये बताने का मौका मिला है कि डुग्गर दा मान, जिस तरीके से डोगरी मान्यता दिवस जो 22 दिसंबर को पूरे इस डुग्गर प्रदेश और पूरे जम्मू खित्ते के अंदर मनाया जाता है, 2002 के बीच में जब माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी, उस समय डोगरी को 8वें शेड्यूल में लाकर के हम सबका मान सम्मान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया था। उस दिन को डोगरी मान्यता दिवस, डोगरी मान्यता ध्याड़े के रूप के ऊपर पूरे प्रदेश च मनाया जाता है। इस बार 22 दिसंबर को हम सभी ऐसे नौजवानों को जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम सबका मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन ऐसे ऐसे 75 नौजवान, उनको चिन्हित करके हम लोग, चाहे वो कला के जगत में हो, चाहे वो खेल के जगत में हो, चाहे वो इनोवेटिव कोई काम करके हो या यंग एंटरप्रेन्योर हो, जिन्होंने यहाँ के लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम 22 दिसंबर 2 बजे बाहू प्लाजा के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा मनाने जा रहा है। और सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, हमारे नौजवानों का प्रोत्साहन करें। और वहीं एक स्पेशल गेस्ट के नाते हमारे यहाँ की जो मायनाज शख्सियतें हैं पद्मश्री, वो उस कार्यक्रम में रह करके सभी नौजवानों को प्रोत्साहित भी करेंगी। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी रहने वाले हैं। आप सबके माध्यम से मैं हर व्यक्ति से, हर डुग्गर मानस से ये आग्रह करूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम में 22 दिसंबर 2 बजे बाहू प्लाजा में आकर के सभी नौजवानों का प्रोत्साहन करें और उनको आगे बढ़ने में जिस तरीके से सहयोग कर सकते हैं वो करें, ताकि हम लोग भी उस चीज में गौरवान्वित महसूस करें और ऐसे नौजवानों को और आगे बढ़ने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, एक फोटो खींच लो।